तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डंकी का डंका बज रहा है। कैसे बज रहा है भाई साहब? बहुत पुअरली बज रहा है, क्योंकि इस ये मूवी ऐसे सरवाइव करेगी, शाहरुख खान का नाम जुड़ा है यार, जिसने दो मूवी थाउजेंड थाउजेंड करोड़ की दे रखी है। राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ा है इसमें, जिसने ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है भाई साहब, आप उन्हें 10 बार भी देखोगे तो आपको 11वीं बार में वो मूवी फ्रेश नजर आएगी और उतना ही एक्साइटमेंट नजर आएगा, जबकि आपको अगला सीन मालूम होगा। उसके बावजूद भाई, उसके बाद भी डंकी बहुत बुरी तरीके से सरवाइव कर रही है। क्लैश का कारण भी हो सकता है, और इस साल बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी आई हैं, दैट्स वाई कि ये इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पा रही। दूसरा भाई, एक्शन मास मसाला मूवी बहुत फाड़ के ग्रोथ करती हैं। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ ना, शाहरुख खान की पठान और जवान से इतनी उम्मीद नहीं थी। जब पठान आई थी, पठान से बिल्कुल नहीं था कि यार ये 1000 करोड़ टच कर जाएगी। सभी सोच रहे थे 600-500 करोड़ या फिर ये इतना ही कर पाएगी, लेकिन जवान से, हाँ जवान से एक्सपेक्टेशन थी। डंकी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब ये जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन ऐसे सर्वाइव करेगी किसी ने नहीं सोचा था। क्या करेंगे भाई साहब, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई साहब। कल डे 14 की बात करते हैं। मूवी की ने कैसी क्या ग्रोथ करी है भाई? बहुत पुअर ग्रोथ करी है। पुअर ग्रोथ में इसे शामिल कर सकते हैं। डंकी को ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12% के आसपास रही है कल फुल डे की, मॉर्निंग टू नाइट तक, आफ्टरनून इवनिंग सभी को मिला के लगभग 12% की ऑक्यूपेंसी थिएटर हाउस में रही है। तो भाई साहब कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट है एंड ऑफ द डे तक 3 करोड़ 40 लाख का, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 5 करोड़, ओवरसीज से 3 करोड़ के आसपास और पूरी दुनिया से 8 करोड़ के आसपास ये मूवी कल कमाते नजर आ रही है। तो वैसे पहले 14 दिन में ये कितना कलेक्शन कर रही है नेट इंडिया से? 204 करोड़ का, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 245 करोड़ एंड पूरी दुनिया से 417 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी है। क्योंकि देखो 120 करोड़ के आसपास इसका बजट है, और जिस हिसाब से इसने कमाई कर ली है भाई साहब, ये थर्ड टाइम हम कह सकते हैं कि इसने अपने बजट के हिसाब से कमाई कर ली है। तो ठीक है, एक बार के लिए सुपर डुपर हिट है, लेकिन ब्लॉकबस्टर हिट में इसे शामिल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं भाई साहब, ये कहना बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉकबस्टर हिट के लिए आपको 600-700 करोड़ 500 करोड़ ऐसे आंकड़े देने पड़ेंगे, जो इस साल डेफिनेशन खुद मूवीज के द्वारा ही लिखी गई है। खुद शाहरुख खान ने ये डेफिनेशन लिखी है भाई साहब, जवान पठान से 1000-1000 करोड़ देके। बात करिए आज की, भाई डे 15 कैसा चल रहा है भाई? बुकिंग बहुत बहुत रद्दी बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी से ही रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हिंदी में ही मूवी को रिलीज करा गया है। 1 करोड़ 20 लाख की एडवांस बुकिंग है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10% है, नेट इंडिया से आज 3 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है, पूरी दुनिया से 7 करोड़, और पहले 15 दिन में ये मूवी आज ऑल वर्ल्ड से 424 करोड़ का ह्यूज आंकड़ा अपने खाते में रख लेगी, जो देखा जाए तो ठीक है भाई, डंकी के लिए एक हिसाब से अच्छा आंकड़ा है। और राजकुमार हिरानी की जो मूवीज होती हैं वो 500-600 करोड़ या फिर इसी के आसपास सर्वाइव करती हैं। तो डंकी भाई दमदार चल रही है, आपने अगर मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाकी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है? क्या 600 करोड़? क्या सलार को टक्कर दे सकती है लास्ट में लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।